या भगवान अब मैं क्या करूं, मैं नहीं जानती थी कि मेरा भी भाग्योदय हो जाएगा, मेरी भी उस बैठ का भी फूल खिलेंगे, मुझे नहीं मालूम था। आज मैं 2 महीने की गर्भवती हो चुकी हूँ और ये बात अगर मैं पहले जानती कि ऐसा होता ऐसा होगा तो मैं महाराज को कदाप नहीं कहती कि आप दूसरी शादी कर लीजिए। यदि मैं महाराज जी से कहूं तो महाराज जी कहेंगे मैं पहले से मना कर रहा था कि हम ऐसा नहीं करेंगे। छोटी महारानी से कहूं तो भी कहेंगे कि मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या हक था किसी को, इसलिए मैं किसी से नहीं कहूंगी। एक दासी मुझोली है उसी से मैं कहूंगी, अरे दासी बड़ी सुस्ती में आ रही, क्या बात है? हम ये कह रहे हैं हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या? यही कि जो मैं तुमसे कहने जा रही हूँ हमारे तुम्हारे बीच में रहना चाहिए, किसी और को नहीं पता चलना चाहिए। दासी आज मैं गर्भवती हो चुकी हूँ, 2 महीने का गर्भ मेरे पेट में पल रहा है। आज इस खुशी को क्या मैं तुमसे जाहिर कर सकती हूँ और किसी से नहीं। ये बात छोटी महारानी और महाराज को पता नहीं चलना चाहिए। अपने दिल की बात किससे बताऊं, कुछ कहा नहीं जाता है। क्या कह रही हो? बड़ी महारानी को क्या कहा दादी? अरे दादी 2 महीने का पेट में बच्चा पल रहा है। नहीं दादी नहीं, ये सच नहीं है। दादी नहीं सच हो सकता है महाराज, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ नहीं थी। दादी अरे दादी क्या करूं, हकीकत नहीं है। I'm sorry.
राजा बनाएंगे। आज मेरी रानी के पुत्र नहीं हो रहे, अबे क्या हो रहा है महाराज, क्यों धोखा दिया मुझे महाराज, बस मेरे इज्जत के साथ खेला था महाराज। आपको अगर धोखा भी देना था मेरे इज्जत के साथ खेलना ही था तो बता दिए थे महाराज, मैं गरीब हूँ पर मेरे पास भी इज्जत है महाराज। मैं भी देखती हूँ महारानी रत्ना कैसे इस घर में रहती है महाराज, कैसे रहती है मेरे जीते जी, क्या तो रत्ना रहेगी घर में, क्या तो मैं रहूंगी महाराज। महारानी की यह हालत, लगता है कुछ बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि बिस्तर देखो उधर पड़ी और सारे देवरात इधर उधर बिखरे हुए हैं। इसका क्या कारण हो सकता है, मालूम देता है किसी प्रेत की छाया तो नहीं हो गई है। ठीक है, मैं पूछता हूं महारानी, ये बताओ इस हालत में क्या परेशानी है महाराज। आप मेरी हालत बनाकर और आप पूछ रहे हो आपकी ये हालत कैसे हुई है महाराज। मुझसे बचाओ ना रात महाराज, आज मैं कौन आपकी, कौन आप मेरी महाराज। महाराज और रखिए हजूर दूर बना तुम के प्यार को, रखिए हजूर दूर बना तुम के प्यार को, रखिए हजूर दूर बना तुम के प्यार को। Yeah!
और मन में रखते हो जाओ पर कुछ मनाने मुझसे विवाह जाने पर हो जाते हैं बड़े बड़े खामोश महाराज आपने क्यों झूठ बोला था कि मेरी रत्ना रानी कभी मां नहीं बन सकती है महाराज आपने मेरे इतना बड़ा धोखा क्यों किए महाराज क्यों किए साथ में कि मेरी रत्ना रानी कभी मां नहीं बन सकती है महाराज हाँ ये तो मैं सही कह रहा था कि मेरी रत्ना रानी मां नहीं बन सकती लेकिन ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं है अगर मैं मां होती हो चुकी है तो तुम्हें बहुत बड़ा संताप है हाँ महाराज तो ठीक है मैं आज ही चलकर उसका गर्भपात करवा देता हूँ चलिए महाराज मैं यही चाहती हूँ कि रत्ना रानी ये महल छोड़कर चली जाए मैं अकेले इस महल में रहना चाहती हूँ क्या हाँ महाराज वो इस महल को छोड़कर चली जाए हाँ महाराज नहीं ऐसा मत करो उसे इस महल में रहने दो नहीं महाराज या तो रत्ना रानी महल में रहेगी या तो मैं रहूंगी महाराज खैर जब ये बात है और मैं वचन दिया था कि तुम जो कहोगी वही मैं करूंगा तो तुम्हारी यही राय है कि रत्ना रानी इस महल से निकल जाए हाँ महाराज मैं यही चाहती हूँ तो ठीक है मैं आज ही रत्ना रानी को इस महल से निकाल देता हूँ हाँ महाराज ठीक है अभी निकालता हूँ अब तो तुम खुश हो तो चलो हम दोनों कमरे में सो जाते चूतिया
नारी चतुर पुरुष छूटिया जय घर जुअल मिला आई नारी जो भूखन मरे और हर सिमाने मैं परा और हर कल में हरी की सकार धरता लौटे पानी मेहरी से माने लागे वही कुकुर खाई खाई और बदरा फियत ही आगे कहीं भर के गयो की पीबे करबे और हम से मांगो सेवकाई खाना कपड़ा जाते नाही भूख लगे तो हुका खाई कहीं चला जाओ लखनऊ शहर और लाओ हमका लहना साड़ी वे बोली चथरू के अम्मा हम देखा नहीं रेलगाड़ी वे बोली की काला काला इंजन है और स्टेशन आए टहलता है नीचे पानी गिरता है कि ऊपर धुआं निकलता है तो इतना सुन खर्चा लेके और जुड़वा चले चुना नंदन कुछ दौलत कुछ पैदल तब जाए के पहुंचे स्टेशन पता पर है टिकस और टिकस लेके अकुलाने अब आवत है या चली गई अब जाई कहां से ना जाए साफ खड़े पानी काला धुआं दिया मैं समझे नहीं है रियल गाड़ी और जब लिख पूछे मेहमान ही तो जब लिख छूट जाए गाड़ी बस यही सोच गर्दन पवन के झटपट कूद सवार भये बाबू छरई कूदै लागे परिना छाड़े साले उतर चूतिया के साले जल्दी साले उतर उतर वे बोले बाबू जब उतर अब जब देख लेब लखनऊ शहर कहें उतर चूतिया के साले यक्का मुल्लू का पत्ता है वे बोले बाबू काहे उतरी जब टिकस लिए मैं ठट्ठा है तो चार बाग में जब पहुंचे तब ये गया आदमी नजर पड़ा और तमहा दमारे मुछ मिला ये कमरा ओढ़े बस वहीं से घर वापिस आए और मेहरी को अड़े बाहर आए पर फलते पर अल्लाह।